जनपद संभल के चंदोसी में भाजपा महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष गरीब और असहाय लोगों के लिए कर रही है मास्क तैयार। इस समय देश भर में कोरोना वायरस का असर बढ़ता ही जा रहा है, जिसको देखते हुए देश में विभिन्न प्रदेश सरकारों ने मास्क पहनकर ही घर से निकलना अनिवार्य कर दिया है, लेकिन मास्क की मांग बढ़ने से इनकी बाजार में कमी आ गई है। इसी को देखते हुए जनपद संभल की चंदोसी में भाजपा महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष कुमुद वाषणे अपने घर पर ही गरीब और असहाय लोगों के लिए मास्क तैयार कर रही है। इस विषय में भाजपा महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष कुमुद वाषणे ने बताया कि वे ये मास्क गरीब और असहाय लोगों के लिए तैयार कर रही हैं, जिन्हें वे निःशुल्क वितरित करेंगी। मेरा नाम कुमुद अग्रवाल है, मैं भाजपा महिला मोर्चा से नगर अध्यक्ष चंदोसी हूँ। आप मास्क अपने हाथों से सिल लेंगे, तो ये क्या करेंगे मास्क? मैं ये मास्क उन लोगों के लिए तैयार कर रही हूँ जो गरीब हैं, असहाय हैं और नहीं खरीद पा रहे हैं, जिनको बाजार से नहीं मिल रहे हैं, कुछ महंगे रेट में भी हैं मास्क, तो मैं मास्क उन लोगों के लिए तैयार कर रही हूँ। और मेरा सभी से ये कहना है कि सभी लोग मास्क तैयार करें और वितरण करें मास्क का गरीब असहाय लोगों के लिए। मेरी पूरी टीम है जो मास्क बनाने में लगी हुई है और वितरण कर भी रही है, कुछ महिलाओं ने वितरण कर भी दिया है मेरी बहनों ने। क्या संदेश देना चाहेंगे आप जनता को? मैं जनता को यही संदेश देना चाहूँगी कि अभी तक हमारे ज़िले में कोरोना वायरस का पॉजिटिव एक भी केस नहीं है, तो हम इससे बचे रहें। तो मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि सभी, जिस तरह मैं मास्क बना रही हूँ उसी तरह से सभी लोग मास्क बनाएं, खाद्य सामग्री भी करें और इस बीमारी से दूर रहें। मैं जनता को यही संदेश देना चाहती हूँ, जिस तरह से मैं मास्क बना रही हूँ उसी तरह से सभी मेरी बहनें, सभी चंदोसी की बहनें, संभल जिले की बहनें, आसपास की बहनें, और इसी तरह से गरीब असहाय लोगों का जो है ना सहायता करें। और संभल जिले में एक भी केस नहीं है अभी तक, सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें, जिस तरह से हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं उसी तरीके से चलें और यही ठीक रहेगा हम लोगों।